जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फ्यूल पर। दोस्तों, आपने सीबीआई के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह भारत की सुरक्षा से जुड़े कई सारे मामलों को सुलझाती है। और दोस्तों, आप में से कई युवाओं का सपना केंद्रीय जाँच ब्यूरो यानी कि सीबीआई में ऑफिसर बनने का जरूर होगा, लेकिन आप में से बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि सीबीआई ऑफिसर बनने के लिए क्या प्रोसेसर होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको सीबीआई क्या होता है और सीबीआई में आप ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल द लर्निंग फुल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीआई क्या होता है उसके बारे में। सीबीआई का पूरा नाम है केंद्रीय जांच ब्यूरो और इसे इंग्लिश में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। इस एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे कि हत्या, घोटाले, भ्रष्टाचार, राष्ट्रहित से संबंधित मामलों की विस्तृत जांच की जाती है। सीबीआई की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1941 में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका कार्य युद्ध तथा आपूर्ति विभाग के साथ लेन देनों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जांच करना था। 1 अप्रैल 1963 को इसका नाम स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एसपीई से परिवर्तित यानी कि चेंज करके केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई कर दिया गया था। यानी कि पहले इसका नाम था एसपीई यानी कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, बाद में इसका नाम चेंज करके सीबीआई किया गया। अगर बात करें सीबीआई के कार्यक्षेत्र की तो सीबीआई का कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश इसके अंतर्गत आता है और आवश्यकता पड़ने पर अन्य देशों की सुरक्षा एजेंसियों से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सभी सार्वजनिक विभागों को सम्मिलित किया गया है। सीबीआई को आदेश देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केंद्र सरकार के पास होता है। अब बात करते हैं कि आप सीबीआई को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सीबीआई में नियुक्तियाँ 3 प्रकार से होती है। पहला तरीका है एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू। सीबीआई ज्वाइन करने का दूसरा तरीका है कि आप यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ क्लियर करके आप आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं और बाद में आप सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, जिसके थ्रू आप सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप यूपीएससी द्वारा डीएसपी यानी कि डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पोस्ट के लिए आयोजित परीक्षा को पास करके आप सीधे सीबीआई में ग्रेड ए ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप सीबीआई को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू आप सीबीआई को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सीबीआई में सीधी भर्ती के अंतर्गत ग्रुप सी से लेकर सब इंस्पेक्टर के पद तक नियुक्ति की जाती है, जिसका चयन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के द्वारा आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी कि सीजीएल परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। अगर बात करें इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं आपकी उम्र यानी कि एज के बारे में। तो यहाँ पर बता दें कि आपकी जो कम से कम उम्र है वो 20 साल हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 30 साल तक हो सकती है। आपको बता दें कि पहले ये अधिकतम जो उम्र थी वो 27 साल तक थी, लेकिन ये बढ़ाकर अब 30 साल कर दी गई है। अगर बात करें उम्र में छूट की, तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी वालों को अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट मिलती है और एससी और एसटी कैटेगरी वालों को अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट मिलती है। अब बात करते हैं इसके चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें 4 अलग अलग टीयर्स होते हैं, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड, टीयर थर्ड और टीयर फोर्थ। तो जो टीयर फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है, कंप्यूटर आधारित ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम होता है। टीयर सेकंड के अंदर भी कंप्यूटर आधारित ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। टीयर थर्ड में आपका जो है रिटन एग्जाम होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें। और टीयर फोर में आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टीयर फर्स्ट के बारे में। तो स्क्रीन पे आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। टीयर फर्स्ट में कुल 4 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, दूसरा पेपर होता है आपका जीके का, तीसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और चौथा पेपर होता है इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन का। तो यहाँ पर जो हर एक जो 4 पेपर हैं वो सब 25-25 उसमें क्वेश्चंस आते हैं और हर पेपर जो है 50 नंबर का होता है। इस तरीके से कुल टीयर फर्स्ट जो है उसमें कुल 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 200 नंबर का होता है और इसमें आपको कुल 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। टीयर फर्स्ट क्लियर करने के बाद आपका होता है टीयर सेकंड। टीयर सेकंड के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट में होता है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी टेस्ट और पेपर सेकंड में होता है आपका अंग्रेजी भाषा और परिज्ञान यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। ये टीयर सेकंड में होता है। जो इसमें फर्स्ट पेपर होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इसमें कुल 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं।
और पेपर सेकंड जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन का होता है, इसके अंदर 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के होते हैं। तो इस तरीके से टीयर सेकंड के अंदर कुल 300 क्वेश्चन होते हैं और 400 मार्क्स के होते हैं, और इसमें आपको 120 मिनट प्रत्येक पेपर के लिए मिलते हैं, यानी कि आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है पेपर फर्स्ट के लिए, और पेपर सेकंड के लिए भी 2 घंटे का अलग से टाइम मिलता है। तो ये हो गया आपका टीयर सेकंड। टीयर सेकंड क्लियर करने के बाद आपका होता है टीयर थर्ड। टीयर थर्ड के अंदर आपका होता है रिटर्न एग्जाम, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसमें यहाँ पर आपके जो है एसे राइटिंग, समरी राइटिंग, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग हिंदी और इंग्लिश के अंदर, ये यहाँ पर जो है इसका सिलेबस रहता है। टीयर थर्ड जो है कुल आपके 100 नंबर का होता है और इसमें आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। टीयर थर्ड क्लियर करने के बाद आपका हुआ टीयर फोर्थ, और इस स्टेप में जो है कैंडिडेट का कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। इस तरीके से ही कुल 4 टीयर होते हैं। चारों टीयर क्लियर करने के बाद आपका फाइनल होता है इंटरव्यू, जो कि इसका अंतिम चरण होता है। इसमें अभ्यर्थी के साक्षात्कार के दौरान उनके व्यक्तित्व और मानसिक क्षमता का आकलन किया जाता है। इसके पश्चात सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार की जाती है। सूची के अनुसार अच्छा रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। तो ये हो गई इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर। अब हम बात करेंगे सीबीआई में सब इंस्पेक्टर के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो पहले हम ये बात करने वाले हैं पुरुष यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे आपकी लंबाई के बारे में। तो ये आपको बता दें कि आपकी कम से कम 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर बात करें छूट की, तो यहाँ पर छूट जो है वो आदिवासी और जो हिली एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, वहां से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनको अधिकतम जो लंबाई है उसमें जो है 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। अगर बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट जो है विद एक्सपेंशन यानी कि फुलाव के साथ 76 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की लंबाई के बारे में। तो यहाँ पर उनकी लंबाई जो है कम से कम 150 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी आई साइट के बारे में। ये आपको बता दें कि जो आई साइट जो बता रहे हैं वो फीमेल और मेल दोनों के लिए सेम होगी। तो यहाँ पर जो है चश्मा लगाकर या बिना चश्मा लगाए हुए आपकी दूर की दृष्टि एक आंख से 6x6 और दूसरी आंख में 6x9 होना जरूरी है। वहीं जो पास की जो आपकी दृष्टि है वो एक आंख में 0.6 और दूसरी आंख में 0.8 होना जरूरी है। तो ये होगी आपकी आईसाइट। फाइनली अब हम बात करते हैं सीबीआई अधिकारी को मिलने वाले वेतन के बारे में। सीबीआई अधिकारी का जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है उसमें ग्रेड पे जो मिलता है वो होता है 4,200 रुपए और जो पे स्केल रहता है वो 9,300 से 34,800 रुपए। इस तरीके से कुल जो प्राप्त वेतन होता है वो होता है 44,000 रुपए। तो ये हो गया सीबीआई अधिकारी का वेतन। तो दोस्तों ये वीडियो था कि आप सीबीआई ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, सीबीआई को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो आपका, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। और दोस्तों फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।